यूक्रेन में फंसे अमेठी के एक युवक ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें युवक ने कहा है कि वो पिछले एक हफ्ते से परेशान है। ना यहाँ की सरकार कुछ कर रही है और ना ही भारत की सरकार कुछ कर रही है। बता दें कि युवक का नाम मोहम्मद सैफ है और वो अमेठी के जायस का रहने वाला है। वीडियो में सैफ ने कहा है कि जंग होने के कारण मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। यहाँ पर लीव में, कीव में, इवोना, फ्रांसकी में भी हमला हुआ है। हम लोग एयरपोर्ट को बर्बाद किया जा रहा है ताकि कोई मदद ना मिल सके इवोना को और ना ही पूरे यूक्रेन को। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यहाँ पिछले एक हफ्ते से परेशान हैं। ना ही यहाँ की सरकार और ना ही भारत की सरकार कुछ कर रही है। क्या कुछ कहा सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद सैफ खान है, मैं जायस का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश रायबरेली में, ये पास में ही ये कस्बा है। तो हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल यूक्रेन में फंसे हुए हैं और यहाँ पे अभी कल ही कीव में, लवीव में और हमारे यहाँ इवानो फ्रेंकिस में भी हमला हुआ है। हम लोगों के एयरपोर्ट को बर्बाद किया जा रहा है ताकि यहाँ से कोई हेल्प ना मिल पाए इवानो को और ना ही पूरे यूक्रेन को। और सबसे मेन बात यह है कि हम लोग पिछले एक हफ्ते से परेशान हैं और ना ही यहाँ की गवर्नमेंट, ना इंडिया की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही हम लोगों के लिए। और हम लोगों ने काफ़ी न्यूज़ चैनल पर भी सब कुछ दे रखा है ताकि चीज़ें पूरे इंडिया में फैल जाए और ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इंडिया गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि आप लोग हम लोगों की मदद कीजिए और जल्द से जल्द यहाँ से निकालने के लिए कुछ इंतज़ाम करिए। और आज हम लोग अपने रिस्क पे पोलैंड जा रहे हैं, किसी का कोई हाथ नहीं है, ना ही यहाँ की गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है, ना इंडिया गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है। हम लोग अपने रिस्क पर जा रहे हैं पोलैंड, फिर वहाँ से देखते हैं क्या होता है। अब इंडिया गवर्नमेंट कुछ करेगी हेल्प तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अब हम लोग को खुद अपने पैसे से निकालना पड़ेगा यहाँ से।